हेलो दोस्तों अगर आप कुछ नॉडी टाइप का एंड मॉडर्न मिस्ट्रेज साइको टाइप का देखना चाहते हो तो आपके लिए एक वेब सीरीज लेके आए जिसका रिव्यू करने वाला हो जिसका नाम है रिव्यू एंड नेटफ्लिक्स पर ये वेब सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी जो कि एक महीने पहले रिलीज़ हो चुकी है और इस वेब सीरीज को इतना इस लेट इसलिए रिव्यू करना हो क्योंकि इसका टोटल चार सेक्शन है एंड चारों सेक्शन देखने के बाद मैं रिव्यू लेके आया हूँ जो कि दो से लेकर दो तक रिलीज कर दिए गए हैं और एक सेक्शन में टोटल दस एपिसोड है और चालीस से पैंतालीस मिनट के बीच में और एक सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे टोटल पाँच घंटे मतलब अगर आप लगातार देखते हैं इस वेब सीरीज़ को तो पाँच घंटे लगेंगे एक सेक्शन को देखने में इसलिए इस वेब सीरीज़ का रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि दो से लेकर दो तक ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल भी है और लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया तभी तो इस सीरीज़ के टोटल चालीस एपिसोड रिलीज़ कर दिए गए हैं और नेक्स्ट सेक्शन पांच आने वाला है जो कि दो के लास्ट में या फिर चौबीस के में देखने को मिलेगा और आप सोच रहे होंगे इस वेब सीरीज में ऐसा क्या है लोग इतना पसंद कर रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं सीरीज में जो साइको लव स्टोरी मर्डर स्टोरी है उसके बीच में जो बोल्ड सीन है हर एपिसोड में आपको दो से तीन बोल्ड सीन आपको देखने को मिल जाएंगे यही पब्लिक को देखने के लिए मजबूर करते हैं और उसके बीच में जो मर्डर हो जाता है फिर सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा जो एक्साइटेड करके रखता है मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी का हिंट देता हूँ फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि वेब सीरीज स्टोरी कैसी होने वाली है इसमें एक जोया नाम का बंदा होता है जो कि अपने ही बुक स्टोर में काम करता है और उस बुक स्टोर में एक बैक नाम की लड़की आती है जो कि कॉलेज की होती है और वो राइटर बनना चाहती है इसलिए बुक स्टोर में आके किताबें खोजती है उसके टाइप की जो पढ़ने से उसे फायदा हो जिसके बाद से जॉय देखता है और उसे देखने के बाद थोड़ा उसे अट्रैक्टिव लगती है फिर उसके बाद जॉय काफ़ी सीक्रेट तरीके से बैग के पीछे लग जाता है और उसको बिना पता लगे वो उसकी लाइफ खंगार डालता है कौन फ्रेंड है किसके साथ जाती है किसके साथ आती है क्या पसंद है क्या नहीं किसके साथ लास्ट टाइम सोया था और कौन बॉयफ्रेंड ये सब कुछ थी और जिसके बाद से जॉय को पता होता है कि क्या कहने पर बैग नाराज़ होगी और क्या कहने पर बैग खुश होगी बट उसका फायदा ना उठाकर वो सिंपल सा रहता है बस इतना जानता है कि बैग उसके मतलब उस बुक स्टोर पर आती है और बैग भी उसको ज़्यादा नहीं जानती

लास्ट में जाते जाते यहां तक कि उस बॉयफ्रेंड की मर्डर कर देता है और देखेंगे जब आप एफसी, तो आपको पता लगेगा कितना मतलब साइको टाइप का वो मर्डर करता है और जिसके बाद उसे पता लगता है वो कितना ज्यादा मतलब खतरनाक बंदा है और जब बैग को पता लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड को जॉय नहीं मारा था तो बैग भी उससे घबरा जाती है और उसे दूर भागना चाहती है फिर बैग जाके कहती है मैं पुलिस को सब बता दूंगी जिसके बाद से जॉय काफी घबरा जाता है और उसको फिर वही काम करता है जिसके जैसे ही उसने बॉयफ्रेंड के साथ किया होता है बट उसको मारना नहीं चाहता था पर गलती से जॉय से उसको भी मारना पड़ जाता है

के लिए करते हैं इसके आगे की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा आप जब वेब सीरीज देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा अगर आप चाहते हैं जैसे मैंने सेक्शन का एंड रिव्यू दिया वैसे मैं सेक्शन का दू तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए तभी मैं लेके आऊंगा और अगर ये वेब सीरीज मैं बता दूं सबको नहीं पसंद आएगी जिनको पसंद आएगी उनको बहुत ही मजा आएगा और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एंड रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में